किसी को लकवा मारा हो, किसी को कमजोर यादाश्ती हो, किसी को यादाश्ती, कभी कभी तो पत्नी पूछती है कि रोटी खा लिया, तो वो पूछता तू कौन है, ऐसे टाइप के लोग भी हैं, तो यादाश्ती कमजोर पड़ गई, अंग निश्चेष्ट हो रहे हो, रोज 108 बार ओम चिन्मयी नमः, ओम चिन्मयी नमः, ओम चिन्मयी नमः, बोलो ओम चिन्मय नमः, चैतन्यमयी को मेरा नमस्कार, 108 बार ये बोलो ने, रुका हुआ शरीर ही नहीं, रुका हुआ काम भी दौड़ने लगे इस मंत्र से। जय गुरुदेव। उस काम में जो काम रुक गया, यानी रुकना यानी जड़ हो जाना, जड़ हो जाना यानी स्तंभित हो जाना, उसको वापस जगाना, तो उसमें एक शक्ति चाहिए। इस मंत्र में वो शक्ति है जो जो वस्तु में स्तंभित हो गई है उन सबको छलित करने की ताकत इसमें। जय जय गुरुदेव। ये 251 बा नाम है, ओम चिन्मयी नमः। क्या ओम चिन्मय नमः, हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, लकवा लगा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, धंधा रुक गया है, माँ को हे माँ चैतन्य स्वरूपिणी, प्रवाह तेरा रूप है। क्या है प्रवाह तेरा, प्रवाह यानी निरंतर बहते रहना, फिर मेरा काम कैसे रुक गया, माँ हे चिन्मयी मुझे भी चला दे, मेरे काम को भी चला दे, मेरे नाम और दाम को भी चला दे। क्या मंत्र बोलना, बोलो ओम चिन्मयी, नोटबुक कहाँ गया, लिखो ओम चिन्मयी नमः, लिखो और ढंग से लिखोगे राम जाने, 251 लिख के लिखो, 251 लिख के पॉइंट करो, 251 पॉइंट, ओम चिन्मयी नमः लिखो। तेरा नोट कहाँ रे बेटा, लिया नहीं रूम में, लिया ही नहीं, बहुत अच्छा है तू, बहुत अच्छा, उसी से कल्याण होगा, कुछ मत लेना, बैठे रहना ऐसे। तेरा कार है, फिर तू क्यों आया, मेरे को स्कूल के टीचर की तरह लकड़ी लेके आना पड़ेगा कल से, जो नोटबुक पेन नहीं लाते हैं टीचर क्या करता है उनको, हाँ दंडा, हाँ टीचर का संस्कृत शब्द गुरु ही होता है, ध्यान रख लो, वो शिक्षक ही हैं, बराबर पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बराबर पढ़ाते हैं। ओम चिन्मयी नमः, क्या लिखना, ओम चिन्मयी, आधा य पूरा य बाद में लिख के ऊपर दो लकीर खींचना, तो चिन्मयी नमः आता। कल से यहाँ एक बोर्ड रखना भाई, इधर बोर्ड पड़ा है, जलपन बोर्ड है ना अपना, वो इसको पूछे तो मालूम पड़े, बोर्ड लिखने का मार्कर पेन, मैं ही लिख के बता दूं, क्लास शुरू कर दें, शिक्षक बने शिल्प से जब पत्थर घड़े, शिष्य शिवा और विवेकानंद बने। जय जय गुरुदेव। आज तू कुछ नहीं बोला, यही सोच रहा था, अब तू बोल दिया, कुछ बोला नहीं, मैं यही सोच रहा था कुछ नहीं बोला, जू जू दाढ़ी बढ़ रही है, बुद्धि घट रही है कि क्या हुआ, ऐसे सोचा, लेकिन तू बोल दिया बस, चिन्मयी नमः मंत्र का यही प्रभाव है, गुपचुप बैठा हुआ बोल देता है, माँ की शक्ति काम, जय जय गुरुदेव। माँ शक्ति डाल देती है, क्या करती है, शक्ति डाल देती है सदगुरु, फिर है ओम परमानंदा यही नमः है, ओम विज्ञान घन रूपिण्यै नमः है, ओम ध्यान ध्यातृ ध्येय रूपायै नमः। देखो तीन चीजें हैं, एक ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान जिसका ध्यान कर रहे हैं वो पद्मावती ऐसा समझो, ध्यान करने वाला एक व्यक्ति होगा वही तो ध्यान करेगा, एक व्यक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, किसका कर रहा है, किसी का कर रहा है, किसी का कर रहा है, कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, तीन चीजें हैं कि नहीं, क्या कर रहा है, ध्यान, कौन कर रहा है, मैं, किसका कर रहा हूं, उसका, ये तीन चीजें क्या, ये शब्द कह रहा है, ये नाम कह रहा है, ध्यान ध्यातृ ध्येय रूपाय नमः, यानी ध्यान भी तू है, करने वाली भी तू ही है,
और किसका कर रहे हैं वो भी तू ही है। ध्यान ध्यातृ ध्येय रूपा, कितना सुंदर है। देखो ध्यान भी वही है जो करे वही है, यानी सर्वत्र वही है, सब कुछ वही है। इसका अर्थ क्या है? ध्यान भी वही है, ध्यातृ ध्येय, ध्येय यानी लक्ष्य, जिसको लक्ष्य करके करते हैं। कभी हम भैरव का ध्यान करते हैं कि नहीं, कभी माता का ध्यान, ये ध्येय है हमारा, ध्येय लक्ष्य ये है। ध्यातृ में हूं, ध्यान में कर रहा हूं, ध्यान करने वाली वस्तु। तीनों भगवती, ध्यान भी भगवती, ध्यातृ भी भगवती, न ध्येय भी। वाह माँ वाह, तेरे नाम से मंगल होता है। क्या होता है? नाम से मंगल होता है। धर्मा अधर्म विवर्जिता, माँ के पास धर्म अधर्म कुछ नहीं है। धर्मा अधर्म विवर्जिता यही नमः है। इसका अर्थ क्या? यानी अधर्मी है माँ। दुर्योधन को अभी हमने सम्मान किया तो अधर्म कहा जाएगा? हाँ, वो अधर्म नहीं है, वो धर्म पालन में आता है। इसलिए धर्माधर्म विवर्जिता भगवती दुष्ट संहार शिष्ट परिपालिनी होने से धर्माधर्म विवर्जिता है। उसको धर्म क्या अधर्म क्या ये कुछ भी मालूम नहीं है। कभी कभी अधर्मियों को हमारे परमेश्वर ने भगवती ने वरदान दिया कि नहीं, अब उधर धर्म देके तो कैसे चले? उसने तप किया है तो उस तप का फल उनको देना ही पड़ता है। अब उस जगह धर्म नहीं देखा जा सकता, उस जगह नियति को देखा जा सकता है। क्या देखना है? नियति यह है कि तप करने वाले को उस तप का फल मिलेगा। कितने राक्षसों ने वरदान लिया, हिरण्यकश्यप ने लिया, हाँ तारकासुर ने लिया, बड़े बड़े राक्षसों ने लिया। अगर देवता धर्म देख के फल देने वाले हैं तो इन अधर्मियों को फल मिलता क्या? तो भगवती धर्मा धर्म विवर्जिता, ना धर्म जानती है ना अधर्म जानती है, भक्ति करने वाले को भक्ति का फल देती है। यही वो जानती है। क्या जानती है? भक्ति करने। धर्मा धर्म विवर्जिताय नमः, वोम विश्व रूपा यही नमः। विश्व का रूप यही है, पूरा ब्रह्मांड के हम जहां बैठे हैं ना। शास्त्र कहता है आप माँ के पेट में से बाहर आए कि आकाश से टपके मारा? बोलो बराबर, माँ के पेट से आए। तो ये पृथ्वी जो है ये भगवती का उदर माना जाता है। क्या माना जाता है? उदर। भगवती का पेट है ये पृथ्वी, हम सब उसमें हैं। तो आज भी हम माँ के पेट में ही हैं। आप ध्यान रखो, आप मत बोलना कि मैं बाहर आ गया हूँ। विश्व रूपाये नमः, विश्व को रूप वो है, विश्व इसका रूप है। हम माँ के गर्भ में हैं। किसके गर्भ में? माँ के गर्भ। इस माँ के गर्भ से आ गए, जगत जननी के गर्भ में खेल रहे हैं हम। तो आपको कौन हरा सकता है? रोज इसको याद करना तो बहुत हिम्मत आता है इस मंत्र से। जब भी डर लगे न तब ओम विश्व रूपाये नमः बोलना कि मैं माँ के पेट में हूँ। माँ के पेट के बच्चे को कोई बार वाला घात पहुंचा सकता है? नहीं। तो ये विश्व रूपाये नमः नाम बोलने वालों को बार का डर कभी नहीं सताता। ये मंत्र में वो शक्ति है। क्या बोलना? ओम विश्व रूपाये नमः। बोलो एक बार, ओम विश्व रूपाये। आप बोलो, इसमें माँ नहीं, कोई बार वाली हमारी जो धाम में झाड़ू निकाल रही है वो भी नहीं आएगी इतनी आवाज में। माँ को आना हो तो आवाज बुलंद होना। बोलो, हम किसके गर्भ में हैं? माँ के। हाँ, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ है ये। वो बाद में समझा, वो तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम में चले जाएगा ये कहानी। वो विष्णु सहस्त्र नाम ओम हिरण्य गर्भाय नमः। तो अभी इसको पाठ करते चलो। ओम जागरण्यै नमः, ओम स्वपंत्यै नमः, ओम तैजसात्मिकायै नमः, ओम सुप्तायै नमः, ओम प्रज्ञात्तिकायै नमः, ओम तुर्यायै नमः, ओम सर्वावस्था विवर्जितायै नमः, ओम सृष्टिकर्त्र्यै नमः, ओम ब्रह्मरूपायै नमः, ओम गोप्त्र्यै नमः। क्या? गोप्त्र्यै नमः। लिख लो 266, लिखा 266। ओम गोप्त्र्यै नमः। ये कब बोलना महाराज? ये कब बोलना? गोप्त्री याने क्या? गोपी स्त्री, ये गोपियों की स्त्री है। तो गोप्त्री याने क्या? गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रीत्वम हम कहते हैं। गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रीत्वम,
जो गुह्य रूप से मंत्र जप करने वालों की रक्षा करने वाली शक्ति को, गोप्त्रियै नमः यानी बचाने वाली को मेरा नमस्कार। कभी कहीं फंस गए हो, कोई आपत्ति आ गई हो, कोई विपत्ति हो गई हो, उस समय ये मंत्र को बोलो, ओम गोप्त्रियै नमः। 108 बार बोलोगे 2 मिनट लगेगा, खाली 4 अक्षर का ओम गोप्त्रियै नमः। क्या बोलना? गोप्त्री यानी ओम गुह्याति गुह्याम गोप्त्रीत्वम गुह्यानमस्मत् कृतम जापम सिद्धिर्भवतु मे मैया तत्प्रसादान परमेश्वरी। जब हम जल छोड़ते हैं तो बोलते समर्पण में, यानी जिन मंत्रों को मैंने साधा उन सबसे मेरी रक्षा करने वाली को मेरा ओम गोप्त्री यानी बचाने वाली को मेरा नमस्कार। इसको बोलने से क्या होगा? फंसा हुआ बच जाएगा, जेल में फंसे हुए को, कोर्ट केस में फंसे हुए को, आपत्ति विपत्ति में फंसे हुए को, उदारी में फंसे हुए को, पत्नियों से फंस के परेशान हुए हुए भी कोई होंगे, पतियों से फंस के परेशान हुई पत्नियां होगी, यानी उदाहरण बता रहा हूँ कि फंसने के अनेक काम हैं, ब्लैकमेल कर रहा हो, उस समय ओम गोप्त्रियै नमः शुक्रवार से शुरू करके अगले गुरुवार तक 7 दिन आपको इसका जाप रोज 1008 बार करो तो बंदी मुक्त हो जाता है, जेल से छुटकारा हो जाता है, कोर्ट केस से समाप्ति हो जाती है, साधनाएं सिद्ध हो जाती है, कल्याण हो जाता है तेरे नाम से। माँ तू कल्याण करने वाली है। क्या है? कल्याण कर। हाँ, खाली सहस्र नाम पढ़ू पुस्तक लेके ऐसे ओम चिन्मयै नमः ओम गोप्त्रे नमः ओम आनंद रूपाय नमः ओम परमानंद। अर्थ समझ पढ़ना। क्या पढ़ना? अर्थ। जिस दिन समझ आ गया इसका अर्थ, जीवन क्या है जीने का अर्थ भी समझ आ जाएगा। जीने का अर्थ समझना हो तो भगवती को समझना पड़ेगा, भगवती ही जीवन है। क्या है? मैंने सुबह ही बोला ना, एक बोले सुबह मेरे को, कोई कुछ बोला मेरे को, इतना गुस्सा आया सुबह मैं शांत रह गया। वो बोले कि आपने जो सुबह मंत्र दिया परिवार वालों को दे सकते हैं क्या? मैंने बोला तू मरेगा तो जो जो तेरे साथ आग में कूदेंगे उन सबको तू दे सकता है। हाँ, तू मरेगा तो जो जो तेरे साथ आग में कूदेंगे उन सबको दे दे। कौन कौन कूदे? हाँ, कोई नहीं कूदे, फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पीछे पड़ो फिर तो फायदा है। वैसे भी वो भी नहीं कूदेंगे ना, मैं भी नहीं कूदूंगा, कम से कम कूदने वाले को मैं निकाल तो सकता हूँ, वो तो वो भी नहीं करेंगे ना, खुद भी नहीं कूदेंगे, दोनों बात है। वो कूदेंगे भी नहीं ना, निकालेंगे भी नहीं, मैं कम से कम निकाल तो सकता हूँ, तो किस तरफ रहना है आपको? देख लो किस तरफ रहना है। मेरा बेटे को दे दूं क्या मंत्र? आपने जो मंत्र दिया, मैंने कहा ओम पार्श्वनाथाय तस्स गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उषामम, सभी रोग मारी दुष्ट ज्वर ग्रह दोष बीमारी दुख संकट मिटने का मंत्र सुबह मैंने दिया। देखो ये कथा में उपस्थित लोगों को रोज कुछ न कुछ नया नया मिल रहा है, नई नई शक्ति मिल रही है, नई नई भक्ति मिल रही है। तो मैं पत्नी नहीं आई उसको दे दूं क्या? दे दे तेरे पत्नी, तू मरते कूदती हो। हमने ऐसे लोग देखा है इसी हमारे छोटे बचपन में संसारिक जीवन में, ये शरीर जब संसारी था तब देखा है कि बाप मर गया, क्या हो गया, अगले दिन उठाना था, कोई बीमारी वाला आदमी होगा शरीर फूल गया, और ये लोग पहले ही अंगूठी खोलना भूल गए, तो सबके सामने भीड़ इकट्ठी हुई है बहुत बड़ी, उनके सामने वो जो काटने का आरी ला के बेटा बाप के मुर्दे से अंगूठी काट के निकाल रहा है, साथ में कूदना तो दूर तेरा लंगोट भी खींचेगा, वही ये संसार है। सत्य वचन गुरुदेव, कूदे कहाँ है? कूदना कुछ नहीं है, खींचना है। क्या करना है? और हमको भी प्यार आया है तो कैसा प्यार, आपको प्यार आया तो कैसा क्या प्यार, आपके मांस लोचने वालों पर प्यार आया है, आपके मांस में बल देने वालों पर आपको प्यार नहीं आ रहा है। आपको प्यार आ रहा है तो भी आपको लोचने वालों पर
पापा स्कूल फीस भरनी है, लोच रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है बेटा भर देंगे। पत्नी साड़ी दिलाओ ना, दिवाली आई है गहना। हाँ दिलाऊंगा दिलाऊंगा, चलो घूमने जाना। ये सब लोचक नहीं है तो क्या है। हर आदमी लोच रहा है, अपने को मजा आ रहा है। देवी देने जा रही है फिर भी मजा नहीं आ रहा। हम देने वालों पर नहीं लेने वालों पर मोह करके बैठे हैं, इसी को माया संसार कहते हैं। देने वालों पर मोह है कि लेने वालों पर मोह है, आप ही बताओ भाई बताओ। लेने वाले किस पर मोह है, मोह होना किस पर चाहिए। जिस दिन देने वालों पर मोह हो जाएगा तो मोह माया नहीं भक्ति बन जाएगा, बदल जाएगा जीवन। जय जय गुरुदेव। हाँ फिर मोह माया नहीं रहेगी, भक्ति हो जाएगी। हाँ एक जगह गुलाल उड़ाओ ने उसको मरगत कहते हैं, एक जगह गुलाल उड़ाओ तो होली कहते हैं। दोनों जगह गुलाल उड़ता है, स्थान के हिसाब से नाम बदल जाता है। उस तरफ डालोगे अपनी बुद्धि तो वो मोह है, इस तरफ डालोगे अपनी बुद्धि तो वो भक्ति है। दोनों डालना बलि है। हाँ भगवती के चरण में रहना है। किधर रहना है, चरण में रहना है। क्या मंत्र बोलना जब भी फंस गए, ओम गोप्त्रियै नमः। क्या लिखना बेटा, एक नोटबुक पेन मुझे ही दो ना रे। कहाँ सब रख दिया ऊपर, ये गुरु महाराज के पास है ला रहे, वो फालतू ही रख के बैठे हैं दे रहे। दुनिया रख ली तो मैं भी रख लूं। अरे दुनिया हजामत कर रही है तो चक्कू रखी, आपको करना नहीं तो क्यों रखा है। इधर क्लोज अपला काट पा, ये लाइन वाला पेन पेपर है कैसे दिखेगा। ओम गो दिख रहा है, वो आधा पा ता गो प्रियै नमः। इधर तेरी दापा, ये रक्षाकरण मंत्र है सहस्र नाम में। क्या मंत्र है देख के, इधर उधर पड़े नीचे मुश्किल पड़े, बैठ जा वहां शांति से बैठ, यहां सब है, जा जाओ अपनी जगह बैठो। जन्मते ही साड़ी पहनाओगे तो ऐसे ही होगा, माता पोड़ी आएगी। लो ओम गोप्त्रियै नमः लिख दिया, इनको महाराज को लिखना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिलेगा। हाँ ये इसमें लिख वो दे दो, कृपा क्या बरसे रसगुल्ला बरस रहा है कृष्णगिरी में। लिख लिया, कभी कष्ट हो तो नीचे ब्रैकेट में लिख लो, संकट में बचाने वाला मंत्र है। ऐसे ऐसे लिख के रख लो, ओम गोविंद रूपिण्यै नमः, ओम संहारिण्यै नमः, ओम रुद्र रूपायै नमः, ओम तिरोधानकर्त्यै नमः, ओम ईश्वर्यै नमः, ओम सदाशिवायै नमः, ओम अनुग्रहदायै नमः। 273 लिखो, 273 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
अनुग्रह देगी, आशीर्वाद देगी। माँ का आशीर्वाद लेना हो तो सुबह रोज 108 बार हर दिन इसको पढ़ें, वो माँ के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाते हैं। ओम अनुग्रह दायी नमः, कितना सुंदर मंत्र है। देखो क्या मंत्र है, देखो छुपाए पाप छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटी बाघ बोलते ना। वैसे मैं अचानक देखा इन दोनों का बाल काला है लेकिन छुपे नहीं, इसका असली काला है, इसने लगा दिया रंग इसलिए काला हो गया है। सत्य वचन गुरु जी, हाँ छुपे नहीं ये सब बातें, दिख जाए। बहुत ज्यादा ही काला हो तो समझना के डुप्लीकेट काला है।
ओवर काला हो रहा है। ओम सदा शिवाय नमः, ओम अनुग्रहदाय नमः, ओम पंचकृत्यपरायणाय नमः, ओम भानुमंडल मध्यस्थाय नमः। भगवती का ध्यान करना तो सूर्य मंडल के मध्य में भगवती है ऐसे ध्यान करना, क्योंकि सौर मंडल ही देवताओं का निवास स्थान है। भानु याने सूर्य, भानुमंडल मध्यस्थायै नमः, ओम भैरव्यै नमः। भगवान भैरव हैं तो भगवती का नाम क्या है? ओम भैरव्यै नमः, ओम भगमालिन्यै नमः, ओम पद्मासनायै नमः, ओम भगवत्यै नमः, ओम पद्मनाभ सहोदर्यै नमः। पद्मनाभ, जिनके नाभि से पद्म निकला, जिस पर ब्रह्मा बैठे हों, वो कौन है? कौन है बारे बुद्धिशालियों? विष्णु पद्मनाभ हैं। क्या हैं? उनकी सहोदरी है। क्या है? सहोदरी। सात जन्म ने पेट में, एक पेट में जल में, उसको क्या कहते हैं? सहोदर। उदर याने पेट, सह उदर, सहोदरी, पेट में जन्मे वाली भाई बहन को क्या बोलते हैं? सहोदर। मेरा सहोदर है बोलते हैं कि नहीं? ओम उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावल्यै नमः, ओम सहस्र शीर्ष पदनाय नमः, ओम सहस्राक्ष्यै नमः, ओम सहस्र पातायै नमः, ओम आ ब्रह्म कीट जनन्यै नमः, ओम वर्णाश्रम विदायिन्यै नमः, ओम निज ज्ञान रूप निगमायै नमः, ओम पुण्य पुण्य फल प्रदायै नमः, ओम श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिकायै नमः, ओम सकलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिकायै नमः, ओम पुरुषार्थ प्रदायै नमः, ओम पूर्णायै नमः, ओम भोगिन्यै नमः, ओम भुवनेश्वर्यै नमः, ओम अंबिकायै नमः, ओम अनादि निधनायै नमः, ओम हरि ब्रह्मेन्द्र सेविताय नमः, ओम नारायण्यै नमः, ओम नाद रूपाय नमः, ओम रीम कार्यै नमः, ओम ह्रीं मत्यै नमः, ओम हृदयायै नमः, ओम हेयोपादेयवर्जितायै नमः, ओम राजराजार्चितायै नमः, ओम राज्ञै नमः, ओम रम्यायै नमः, ओम राजीवलोचनायै नमः, ओम रञ्जन्यै नमः, ओम रमण्यै नमः, ओम रस्यायै नमः, ओम रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः, ओम रमायै नमः, ओम राकेन्दुवदनायै नमः, ओम रतिरूपायै नमः, ओम रतिप्रियायै नमः, ओम रक्षाकर्त्यै नमः, ओम राक्षसज्ञै नमः, ओम रामायै नमः, ओम रमणलम्पटायै नमः, ओम काम्यायै नमः, ओम कामकलारूपायै नमः, ओम कदम्बकुसुमप्रियायै नमः, ओम कल्याण्यै नमः, ओम जगतीकन्दायै नमः, ओम करुणारससागरायै नमः, ओम कलावत्यै नमः, ओम कलालापायै नमः, ओम कान्तायै नमः, ओम कादम्बरीप्रियायै नमः, ओम वरदायै नमः। 331 लिखो, 331 वरदायै, ओम वरदायै नमः। वर देने वाली को मेरा कोई कामना हो तब ये जाप करना, कोई भी इच्छा हो, मेरी ये इच्छा पूरी होनी है उस समय ये जाप करना, ओम वरदायै नमः। क्या लिखना? ओम वरदायै, यही लिखो तो ऊपर दो लकीर खींचना। ओम वामनयनायै नमः, ओम वारुणी मद विह्वलायै नमः, ओम विश्वाधिकायै नमः, ओम वेदवेद्यायै नमः, ओम विंध्याचल निवासिन्यै नमः, ओम वेदजनन्यै नमः, ओम विष्णुमायायै नमः, ओम विलासिन्यै नमः, ओम क्षेत्रस्वरूपायै नमः, ओम क्षेत्रेश्यै नमः, ओम क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः, ओम क्षयवृद्धि विनिर्मुक्तायै नमः, ओम क्षेत्रपाल समार्चितायै नमः, ओम विजयायै नमः, ओम विमलायै नमः, ओम वंद्यायै नमः, ओम बन्दारूजनवत्सलायै नमः, ओम वाग्वादिन्यै नमः। क्या वाग्वादिनी? क्या नाम है? इसमें बीच में मैंने एक नाम बोला था, मुझे लगा कि इसका अर्थ बोलूं अच्छा लगेगा। राजीव लोचनायै नमः। क्या नाम? राजीव लोचना। राजीव शब्द में राजा है, राजीव का अर्थ कमल भी होता है, कमल जैसी आंख वाली को मेरा नमस्कार। लेकिन आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं तू रानी है, हमने कल ही देखा श्री महाराज्ञै नमः, ये रानी है। तो इनके पति क्या हुए? हाँ, तो इस जगह वो अपनी पतिव्रता धर्म को सिद्ध करती है माता। राजीव लोचना ये नमः, यानी
जो अपने भर्ता राजा की सेवा भक्ति करते हैं परमेश्वर की, सदा उन पर अपनी कटाक्ष लोचन डाल के आशीर्वाद देने वाली को मेरा नमस्कार। इससे भगवती भगवान की सेवा करने वालों पर प्रसन्न होती है, ये अर्थ इस मंत्र में आता है। कितना सुंदर है देखो, राजीव लोचना ये नमः, यानी मेरे भर्ता राजा का जो भक्ति करते हैं उन पर सदा मेरे लोचन टिके रहते हैं। जो जरूरत नहीं कि अम्बा अम्बा माँ माँ करो, भगवान भगवान शिव शिव करोगे तो भी भगवती की दृष्टि आप पर रहेगी। ए पतिव्रता नारी, कैसी नारी है पतिव्रता, पतिव्रता कैसे, तो अर्थ में 10,000 समझा सकता हूँ, इन सब में गूढ़ अर्थ है, अब समझाने की समय की बात है, बाकी समझाओ जितना समझाओ। ये नोटबुक किसका था बेटा, महाराज साहब का, लो अनुग्रहदा यही नमः है, सिद्धि प्रदायिनी दे दो उनको। पहले ही दाढ़ी दाढ़ी सब सोना हो गया है और क्या हो। तो चलो महाराज, हमने आज 375 नाम सुन लिए, कल से कुछ गुड़ मंत्रों का प्रयोग समझाऊंगा, क्योंकि कल पूजा तो करना है नहीं, तो मंत्रों के प्रयोग कैसे होते हैं। आप भी सब मंत्रवादी तंत्रवादी क्या बन जाओगे, मंत्रवादी। आपके गांव में लोग आपको देख के सम्मान करें के बड़े भक्त हैं भाई, इनकी तो स्तोत्र स्तुति मंत्र आराधना प्रयोग सब देखने लायक होता है। ये कृष्णगिरी जाते हैं सब सीखे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, सीखे हुए हैं कृष्ण। हाँ, शिक्षा तो सीखने से आएगा, इसीलिए शिक्षक और विद्यार्थी का भेद रहा है। अगर शिक्षक की नहीं होगा विद्या का अर्थ कोई पा, विद्या भी एक अर्थ है, विद्यार्थी कहते कई लोग समझते नहीं, विद्या भी एक अर्थ यानी धन, विद्यार्थी यानी विद्या धन को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, विद्यार्थी धनार्थी धन को प्राप्त किया हुआ, पुत्रार्थी पुत्र धन को प्राप्त किया, अर्थ यानी धन, पुत्र भी एक धन है पुत्रार्थी, विद्या एक धन है विद्यार्थी, धनार्थी धन भी एक धन है। तो आप अब जो प्राप्त कर रहे हो सब प्राप्त कर रहे हो एक साथ, ऑल इन वन है,